Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry. नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। जहानाबाद के सिद्धेश्वर मंदिर में बची भगदड़, 7 लोगों की मौत। सावन के सोमवार पर जमा थी भीड़। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का हर जुर्म माफ, अंतरिम सरकार का मुखिया बनते ही अदालत से हो रही है बरी। सेबी प्रमुख ने क्यों नहीं दिया इस्तीफा, SC फिर करेगा जांच। राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर उठाए सवाल। मोइसो की इंडिया पॉलिसी में यूटर्न, मालदीव को विपक्षी पार्टी ने अचानक आए बदलाव का किया वेलकम। बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के लोगों से आज मुलाकात करेंगे अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। सेबी ज्वाइन करने से 2 साल पहले किया था निवेश, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बुश दंपति ने दी सफाई। पेरिस गेम्स हुए खत्म, क्लोजिंग सेरेमनी में मनु श्रीजेश ने थामा तिरंगा, टॉम क्रूज ले गए ओलंपिक फ्लैग। पाकिस्तान दौरे के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान, हिंदू क्रिकेटर लिटन दास को भी मिली जगह। तमिलनाडु के चेन्नई तिरुपति नेशनल हाईवे पर एक लॉरी और कार में टक्कर, 5 छात्रों की मौत, कई घायल। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने तिरंगा यात्रा में लिया हिस्सा। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। देश में बारिश का कहर, दिल्ली NCR से तमिलनाडु केरल तक, इन राज्यों में आज भी IMD का अलर्ट। शंभू बॉर्डर मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मानहानि मामले में समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर आज SCB सुनवाई। पेरिस ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी, फ्रांस के सिंगर क्रेविस्की ने दी शानदार परफॉर्मेंस। LCA MK2 की पहली उड़ान 2026 में, मास प्रोडक्शन 2029 से 2035 में मिलेगा AMCA फाइटर जेट। हाथी हमारी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा, हाथी दिवस पर बोले PM मोदी, हम हाथियों को एक अनुकूल आवास प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। जम्मू कश्मीर में रविवार को भारी बारिश के बाद पहलगाम और बारटाल दोनों मार्गों पर रखरखाव कार्य के लिए आज अमरनाथ यात्रा को बारटाल मार्ग पर स्थगित कर दिया गया है। दो कंधों के सहारे बेन स्टोक को ले जाया गया मैदान से बाहर, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट से पहले इंग्लैंड के लिए बुरी खबर। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा, आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।